दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। सो हेलो नमस्ते आदाबानी, स्वागत है अपने चैनल उस्ता टाइमपास में। सो आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ बोराई, एक्चुअली फोटोशूट है, बट ये जो वीडियो रहने वाला है वो फोटोशूट पे बिल्कुल नहीं रहने वाला है। आज हम ट्रैवल ही करेंगे और ट्रैवल का ही वीडियो दिखाने वाला हूँ और बीच के कुछ वाइब्स एंजॉय करने वाला हूँ। बीच के जो वाइब्स है ना बहुत सही है और बहुत महीनों बाद मैं बीच आ रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट जो बीच पर मैं गया था वो था मेरे गांव के बीच पे, उसके बाद आज आ रहा हूँ और आई एम ए बीच पर्सन। मेरे को माउंटेन से ज़्यादा बीच पे जाना पसंद है बिकॉज ये जो वेव्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है और बहुत ज़्यादा सुकून भी देती है, इसलिए मेरे को ज़्यादा बीच पे बैठना पसंद है, टाइम स्पेंड करना पसंद है। समझ सकते हो आप मेरी फीलिंग्स क्या है। सो हम लोग बीच पे घूमते घूमते ये लोकेशन पे आए, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, चारों तरफ आप देखोगे ना बस कोकोनट ट्री है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रुकते हैं, थोड़े बहुत क्लिक्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं फ़ोटोज़ तो यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज प्राइवेसी मैटर्स, बट यहाँ पे जो लाइट मिल रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और ब्रीज भी है ना काफ़ी फ्रेश है बिकॉज मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे ना सब जगह पे ना पूरे कोकोनट ट्रीज है और जो वाइब रहती है ना कोकोनट ट्रीज की वो बहुत अलग रहती है, उसके कारण ना आपको फ्रेश लगता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं मेरे गांव में आ गया बिकॉज मेरे गांव में भी आपको यही सब दिखेगा, कोकोनट ट्रीज, मैंगो ट्रीज, भले यहाँ पे मैंगो ट्रीज नहीं है बट कोकोनट ट्रीज की वाइब है ना पूरी सेम है और उसके वजह से वो मेमोरीज है ना वो फर्स्ट व्लॉग वाले वो सब रिकलेक्ट हो रही है। I can feel it somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting,
There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. So guys, अभी जस्ट लंच किया, यहाँ पे हम लोग ने ट्रिपल शेजवान ऑर्डर किया था, बट ना ये लोग ने जो घर से अपनी मटन बिरयानी लाई थी ना, उसका स्वाद जो था वो खा के ना लिटरली पेट है ना ऐसा फुल हो गया है, और जो आत्मा रहता है ना वो ऐसा तृप्त हो गया है, और जो अच्छी वाली अभी नींद आ रही है ना, ऐसा मन कर रहा है कि फ़ोटोशूट अभी होगा ही नहीं और बस इधर सो जाए। सो जो लास्ट वीक से स्ट्रेस आ रहा है, नींद कम्प्लीट नहीं हो रही, अगर मैं यहाँ पर हाफ आवर का भी नींद ले लूँ ना तो बहुत अच्छे से मेरा जो स्ट्रेस है ना वो पूरा निकल जाएगा, और फिर नए जो वीडियोस एडिट करने हैं सो उसके लिए ना पूरी एनर्जी मिल जाएगी। सो एक लंबी ब्रेक के बाद ना फिर से हम लोग ने शूट स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे पिक्स मिल रहे हैं लोकेशन पे, बिकॉज यहाँ की जो लोकेशन है ना और कलर से यहाँ के बहुत सही है, इसलिए ना पिक्स भी है ना बहुत अच्छे आ रहे हैं। Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden, I feel your heartbeat lead me straight to you. बहुत ही सही डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, बट ये बर्थडे शूट है, बट सेलिब्रेशन तो मैं दिखा नहीं सकता, बट डेकोरेशन ज़रूर दिखा सकता हूँ, इसीलिए फिर आप देख सकते हो बहुत सही तरीके से अरेंज किया गया है। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देख रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स टाइम टू पैक अप नाउ, सब कुछ हो गया है, अभी हम लोग फिर से घर आने के लिए निकले हैं। आज का दिन बहुत ही मस्त था, बहुत एंजॉय किया, एक्चुअली इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज लास्ट पूरे वीक से ब्लॉग्स के ऊपर ब्लॉग्स बना रहा हूँ, थक गया था, तो थोड़े ये चिल की ज़रूरत थी। भले ही ये फ़ोटोशूट था बट इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, रेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला, और उसके कारण अभी फ्रेश हूँ फिर से, और अभी घर पे जाके फिर से एडिटिंग बैठना है, पूरा हफ्ता एडिटिंग करना है, और प्लस और एक ब्लॉग बनेगा ये वाले हफ्ते में भी। सो देखते हैं आगे कैसा होता है, तभी के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।